का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। सारी तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन सारी तस्वीरों को आप तक पहुंचा सके। एमसीडी इलेक्शन कवर कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस के जो समर्थक हैं, ये ऑफिस जो है सैफ दानी साहब जो काउंसलर हैं उन्हीं का ऑफिस है, आज नया ऑफिस खुला है। तो हम लोगों से कार्यकर क्या लग रहा है इलेक्शन में, एमसीडी का इलेक्शन ये कह रहे हैं कि उधर पूछो, तो मैं लोगों से भी बातचीत करूंगा क्योंकि जो समर्थक है उनसे समझना ज़रूरी है। क्या लग रहा है इलेक्शन, एमसीडी का इलेक्शन जो कांग्रेस किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन अलहमदिल्ला एक तरफ है और हमारे लिए ये कोई हमेशा चुनौतियों से सामना किया हमने, इस बार भी है, लेकिन इस बार कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए अलहमदिल्ला, और वन साइड इलेक्शन है हमारा ये। अच्छा, और भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, तो भाई आप इस इलाके में हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या लग रहा है ग्राउंड पे? ग्राउंड पे तो कोई ऐसे हमें मुश्किल खड़ी नहीं हो रही है, बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा, जो चुनाव हमने 3 चुनाव जीते हैं उससे ज़्यादा मतों से हम जीतने वाले हैं चुनाव, क्योंकि हमारे सामने इस बार कोई चुनौती नहीं, हम किसी को चुनौती नहीं मानते, बिल्कुल एक तरफा हमारा चुनाव है और हम जो है ना मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जो 15 साल में लोगों के बीच में रहे, काम किया, उसको लेके हम इलेक्शन को लड़ेंगे और केजरीवाल को घेरेंगे मरकज के मामले पर, दिल्ली दंगों के मामले पर, और जो भ्रष्टाचार इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके MLA कर रहे हैं, उसको लेकर हम यहाँ मुद्दा बनाएंगे और पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ केजरीवाल को हम यहाँ घेरेंगे और उसी से उसको हम ये सीट हरा कर दिखाएंगे। बिल्कुल, हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा, जनता से जो इनके सपोर्टर हैं। सकीर साहब, क्या माहौल है, जो एमसीडी का इलेक्शन है, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? माहौल तो 3-4 दिन के बाद पता चलेगा ना, जो गर्म होगा भी तो ठंडा है थोड़ा सा, और इंशाल्लाह देखिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं और उसको वोट दें जो आपके चाहता हो, काम कर रहा हो, आपका सुन रहा हो, आपकी बात मानते हों, आपका काम करते हों और आपको इज्जत देते हों। जब आपको ये जो जितने भी नेता होते हैं ये वोटिंग के टाइम पे दिखते हैं, इनको अपना ये रवैया बदल देना चाहिए। वोटिंग के बाद भी अपने क्षेत्र में कम से कम एक एक महीने में एक एक बार राउंड जरूर लगाना चाहिए, लोगों की बातें सुनना चाहिए, क्या क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है। अच्छा, आप तो NGO से हैं, लगातार इसी इलाके में हैं, आखिर जो सैफ दानी साहब के समर्थन में आप बैठे हैं, 3 बार के काउंसलर हैं, उनकी पत्नी हैं, क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं? देखिए, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। दानिश भाई 3 बार जीते हैं, अच्छी बात है, और अब 4थी बार भी जीतेंगे इंशाल्लाह, और ये पब्लिक का, आम पब्लिक का रुझाव देखिए आप, मगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। बिल्कुल, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उन सारी तस्वीरों को आप तक ग्राउंड जीरो से। दानिश भाई, आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो आपके बारे में, मगर कल हमने विधायक का इंटरव्यू किया, हमने सारी तस्वीरें, क्योंकि कल 2 तस्वीरें आई, आसिफ मोहम्मद खान साहब परवेज हाशमी साहब से मिलने गए, बड़ी तस्वीर थी, और उधर विधायक और काउंसलर एक साथ हुए। हमने जब ये सवाल पूछा कि तस्वीरें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार ओखला में नहीं है, जबकि आपके समर्थक आपके लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो मुस्लिम बेस के ऊपर ही बनी है पूरी दिल्ली में, लेकिन उसने जो अपना जनाधार खोया है वो इसको इस बार पता चल जाएगा। मैंने जब कॉरपोरेशन की थी, जब भी लहर थी आम आदमी पार्टी की, मैंने जब भी हराया था, मैंने कहा था विधायक साहब आप खुद लड़ लो, और मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि केजरीवाल साहब को टिकट दे दिए यहाँ, नहर आगे घर भेज दूँ तो जो मर्जी कह दीजिए, मैं ज़मीन पर रहता हूँ, फील्ड में रहता हूँ, पूरे 5 साल रहता हूँ, इलेक्शन के दौरान नहीं रहता। इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद भी सारे नेता आम आदमी पार्टी गायब हो गए थे, सारे उनके वर्कर गायब, मैं सड़क के ऊपर बारिश में, बरसात में, तूफान में, आंधी में, बीमारी में, हर चीज़ में मैं यहाँ मौके में रहा आवाम के अंदर, और इसीलिए मुझे प्यार मिलता है। पार्टी की तरफ से भी मुझे टिकट दिया गया, उन्होंने भी भरोसा दिखाया और आवाम भी भरोसा दिखाएगी। अभी आप चुनाव शुरू हुआ है, समझिए आज हमने ऑफिस खोला है, आज से ही हम बताएंगे कि क्या होता है, मुसलमानों के साथ क्या किया है केजरीवाल पार्टी ने, कोई इश्यू ऐसा है जो आप बता सकते हैं? डेवलपमेंट के नाम पर 0 है, जो जो हमने प्रोजेक्ट ला कर दिए, विधायक साहब ने क्या कराया, हमने 450 करोड़ रुपए चीला दीक्षित ने इस विधानसभा के नाम पर दिए, पानी के नाम पर दिए, सिविल लाइन के नाम पर दिए,
हमने जगह उनको डीडीए से दिल्ली सरकार को दी ट्रीटमेंट पर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, सीवेज प्लांट के लिए, पंप हाउस के लिए कोई डेवलपमेंट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो लगातार हम ग्राउंड जीरो पर उतर के सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश भी है कि उन सारी तस्वीरों को आप तक पहुँचाया जा सके। लगातार प्लाज्मा न्यूज़ देखते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।